हेलो गाइस, तो वेलकम है आपका आरएस क्रिएटिव में। तो आज हम बात करने वाले हैं रणबीर कपूर की अपकमिंग मूवी जिसका नाम है एनिमल। एनिमल मूवी की लीड में हमें देखने को मिलेंगे रणबीर कपूर, अनिल कपूर और बॉबी देओल। और ये फर्स्ट टाइम था जब हमें रणबीर कपूर के साथ परिणीति चोपड़ा दिखाई देने वाली थी एनिमल मूवी में, लेकिन परिणीति चोपड़ा ने ये मूवी किसी वजह से छोड़ दी और अब एनिमल मूवी में एक न्यू एक्ट्रेस की एंट्री हो गई है। अब हमें परिणीति चोपड़ा की जगह नेशनल क्रश यानी के रश्मिका मंदाना दिखाई देने वाली है। कल के दिन पर इस मूवी के मेकर्स ने ये अनाउंसमेंट की कि अब परिणीति चोपड़ा की जगह रश्मिका मंदाना इस मूवी में हमें दिखाई देने वाली है और ये फर्स्ट टाइम होगा जब हमें रणबीर कपूर के साथ रश्मिका मंदाना दिखाई देने वाली है। देखते हैं कि रणबीर कपूर और रश्मिका मंदाना की जोड़ी कितना धमाल कर पाती है ऑन स्क्रीन। एनिमल एक गैंगस्टर टाइप की मूवी होने वाली है और हमें इस मूवी में एक गैंगस्टर ड्रामा देखने को मिलेगा और इस मूवी को डायरेक्शन दे रहे हैं संदीप रेड्डी वांगा, जिन्होंने कबीर सिंह जैसी एक ब्लॉकबस्टर मूवी दी थी, और इस मूवी को प्रोड्यूस कर रहे हैं बुलशन कुमार। एनिमल मूवी हमें अगले साल दिखाई देने वाली है 11 अगस्त को, वो भी सिनेमा घरों में। देखते हैं कि रणबीर कपूर एनिमल मूवी की शूटिंग कब तक स्टार्ट करते हैं। एनिमल मूवी में हमें रणबीर कपूर का एक अलग ही गैंगस्टर अवतार देखने को मिलेगा और आप सबने रणबीर कपूर को इससे पहले ऐसे रोल में कभी नहीं देखा होगा। और एनिमल मूवी रणबीर कपूर की बाकी पुरानी फिल्मों से एक अलग और हट के मूवी होने वाली है और रणबीर कपूर का एक अलग ही करेक्टर देखने को मिलेगा हमें गैंगस्टर अवतार में। अनिल कपूर और बॉबी देओल भी हमें रणबीर कपूर के साथ एनिमल मूवी में दिखाई देने वाले हैं और अनिल कपूर का भी हमें एक गैंगस्टर अवतार देखने को मिलेगा और आपको तो पता ही है अनिल कपूर जिस भी करेक्टर में घुसते हैं कमाल कर देते हैं। और बॉबी देओल भी हमें इस मूवी में एक काफी दमदार किरदार में दिखाई देने वाले हैं। देखते हैं कि इस मूवी की शूटिंग कब तक स्टार्ट करते हैं इस मूवी के मेकर्स और आप कितने एक्साइटेड हैं रणबीर कपूर और रश्मिका मंदाना को एनिमल मूवी में एक साथ देखने के लिए, हमें कमेंट करके बताइए। शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।